आपल्या सन्मानित केलं त्याने महेंद्र यायचे आपण. आमचे यदुनाथ दादा पाटील चिंद्रन गावातील एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व आहेत, या सामन्याकरता ते आज आवर्जून उपस्थित आहेत. यदुनाथ दादा तुमचं स्वागत आहे आणि वळूया सामन्याकरता कंटिन्यू. सन्मानिकरण सुरू राहील. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. कुणाल शेलार आणि निखिल मात्रे यांच्याकडून 3 षटकारासाठी हितेशला 5000 कॅश प्राईज आणि प्रत्येक षटकाराला 1000 कॅश प्राईज. फलंदाज तयार. नील पार्क ऋषीभोवा. ऋषीभोवा यायच्या बघा. चेतन पाटे तुम्हाला आमंत्रित करतात, यावं आपला सत्कार केला जाईल. ऋषीभोवा यायच्या बघा. गो टू कॉमेंट्री बॉक्स. 12-1 विकेट टीम रिची प्रतिष्ठान देसाई. स्ट्राइक पर विकास पाटील. रत्नदीप चौधरी की पहली बॉल. बल्ले का किनारा इन साइड एज. मुकेश शेलटकर चतुर चालक विकेट कीपर के हाथों पे कैच. क्या बात है. 2 विकेट 12 विकास पाटिल की पारी समाप्त हुई. मुकेश शेलटकर ओल्ड इज गोल्ड. सबसे बढ़िया खिलाड़ी वलवली के, उनके हाथों पे ये जबरदस्त फेविकॉल कैच और मुकाबले में टर्निंग पॉइंट. कहते पाने को अभी कई मुकाम बाकी है, इस खेल के कई इम्तिहान बाकी है. अभी तो नापिए मुठ्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है. प्रवीण पहला बॉल तेज तर्रार. खऱ्या अर्थान वलवली गावचं रत्न रत्नदीप चौधरी पहिल्याच बॉल मध्ये विकेट काढतो. रत्नदीप हरिश्चंद्र चौधरी 40+ के इनके पिताजी खिलाड़ी है, लेकिन इनका लड़का भी कम नहीं. क्या गेंदबाजी कर रहे रत्नदीप. ये रत्न है, डायमंड है वलवली के लिए. इस बार मिड विकेट पे शॉट कन्वर्ट किया है अलोंग द कार्पेट. 1 से ज्यादा कुछ नहीं. टीम देसाई पे आज ज्यादा दबाव है रोशन, क्योंकि इनके 2 बड़े विकेट आउट हुए. ऐसे में हितेश भोईर ये एक बड़ा बल्लेबाज बचा है. नक्कीच आकाश पाटील विकास पाटील खासम खास खेली करना है. 2 मातबर खेलाड़ू बैक टू द पवेलियन गेल्यानंतर मध्यम क्रमी फलंदाजांना एक विस्फोटक बाणा इथे पेशकश करावा लागेल. 2 गडी बाद 19 रन गोलंदाजीच्या मार्कवर रत्नदीप चौधरी. क्रिकेट का कोहिनूर हीरा रत्नदीप चौधरी, डायमंड ऑफ वलवली. रफ्तार इनके पास बढ़िया है. एक और पेशकश. शॉर्ट बॉल है, पूरा फायदा. क्रॉस बैटेड हुक शॉट ओवर द लॉन्ग लेग फाइन लेग सीमा पार. हितेश भोईर ऑन फायर. 4 रन. स्वर्गीय एस एस पाटील यांच्या स्मरणार्थ त्यांचे छोटे बंधू उद्योजक कांताशेत पाटील साहेबांच्या वतीने प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचं कॅश प्राईज असणार आहे. क्या बात है. गडगे सर आपने कहा कि सबसे बड़े टूर्नामेंट्स और बक्षिसांचं माहेरघर म्हणजे वल्लभगाव आणि एस एस पाटील चषकाची स्पर्धा. नक्कीच बक्षिसांची नाईट स्पर्धा. स्वर्गीय एस एस पाटील स्मृती चषक पुरस्कृत अमदा ट्रॉफी 2023. एस एस पाटील हा मोठा ब्रँड आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून हा धमाकेदार आयोजन. हाफ सेंचुरी किसी बल्लेबाज के बल्ले से आती है तो कांताशेत पाटील साहब की ओर से 10,000 का नगद इनाम दिया जाएगा. ये सबसे बड़ी टूर्नामेंट है. खिलाड़ी होंगे माला माल और यहाँ पे सबसे बड़े मैचेस होंगे. सुपर एट का आखिरी मैच. रत्नदीप फुलर लेन की बॉल है, क्रॉस बैटेड सामने खेला है. मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन के बीच में वी शेप में यहां से मिलेगा सिंगल हिमांशु मात्रे. रोशन हिमांशु के सर पे जो कैप है ना, मैन ऑफ द मैच की. और मुकेश शेलटकर देखिए रेड कैप है उनके. लेकिन हिमांशु इन्होंने एक बात करें तो 3रा दिन 23 फरवरी इनके नाम पर रहा. बहुत बढ़िया बैटिंग की. लक्की जो धमाकेदार इनिंग माध्यमातून पाहिली मैन ऑफ द मैच का तो मानकरी ठरला गेला, परंतु ही मैच इम्पॉर्टंट है. सुपर 8 ची लढत जिंकल्यानंतर पुढच्या दिशेने मार्गस्थ होऊ शकतो, परंतु या लढती दरम्यान त्यांच्याशी गाठ आहे. संघ आहे आई गावदेवी 11 वलवली. रत्नदीप तयार. ओहो वेगवान फटका आपल्याच फॉलो थ्रू मध्ये चेंडूची अडवणूक पाहायला मिळते. काय तेज तर चेंडू ज्या पद्धतीनं कॅरेबियन प्लेयर
जसे चेंडू पकड़ता है त्या पद्धतीचा चेंडू अडकवला रत्नदीप ने, कारण प्रवीण आणि रोशन आमच्याशी जोडलेले आहेत, रत्नदीप जी गोलंदाजी करतो ना त्याचे ऍक्शन मी बघितले खऱ्या अर्थाने, लेंथ लाईन आणि दिशा याच्यावर नियंत्रण ठेवणारा हा गोलंदाज आहे, म्हणजे वलवली क्रिकेट संघाचा जर दृष्टिकोनातून जर विचार केला ना सर्वाधिक सक्षम गोलंदाज आहे, कारण चेंडू पडल्यानंतर चेंडूला उचली कमी बघायला मिळते इथे। नक्कीच वडील, हरिश्चंद्रांच्या तालमीमध्ये घडलेला खेळाडू। जी हाँ, ये देखिए हमारे आयोजक चारों तरफ मैदान के थोड़ी सी भ्रमंती करते हुए, दर्शक खुश है क्या नहीं, मेजबानी हो रही क्या नहीं, वो पूरा ध्यान रखा जा रहा है हमारे संपूर्ण आयोजक धन निश्चित स्वरूप खरे अर्थाने। ज्यावेळेस एखादं आपण स्वप्न बघतो ना नाईटच, रोशन आमच्याशी जोडलेले आहेत प्रवीण सागर मांडवकर, कारण भारत देशाचे माजी दिवंगत राष्ट्रपती हे मिसाईल मॅन भारतरत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम सर नेहमीच भारत देशाला आणि जगाला संदेश द्यायचे की उघड्या डोळ्याने बघितलेले स्वप्न एक ना एक दिवस साक्षात पूर्ण होण्या झाल्याशिवाय राहणार नाही आहे, आणि हे स्वप्न बघितलं होतं नाईट क्रिकेट स्पर्धेचं। यशस पाटील स्मृती चषक, सन्माननीय आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषक 2023 हे पर्वत जे स्वप्न बघितलं होतं, जानमान क्रिकेट संघाचे सर्व शिलेदार परेशेत पाटील, जगन्नाथ पाटील, चंद्रकांत पाटील, प्रतीक पाटील, नवनाथ कुटारकर, चेतन पाटील, संजोग पाटील, राजेश पाटील, प्रवीण पाटील, शशिकांत सांगडे असतील, आमचे राकेश असतील, त्यांच्या प्रताप असतील, त्यांच्या सर्व जे सहकार्याने ओंकार असतील, त्यांच्या सर्व सहकार्याने जे स्वप्न बघितलं होतं नाईट प्रकाश ज्योतातील स्पर्धेचं, ते स्वप्न आता मात्र साक्षात उतरत आहेत, आणि त्या आनंदाच्या जल्लोषमध्ये सर्व प्रेक्षकांचं अभिवादन स्वीकारण्याकरता मैदानामध्ये एक फेरफटका मारताना ऑर्गनायझर जानमान क्रिकेट संघ वल्लभचे सर्व आयोजक आपण इथे पाहतो। ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स, सबसे बडी ट्रॉफी एस एस पाटील चषक, जो नाम नहीं ब्रँड आहे और इसकी पहचान बहुत बड़ी है। रोशन आपने देखा होगा एस एस पाटील चषक, ये तीसरी बार नाइट रजनी हो रही है और तीनों सक्सेसफुल टूर्नामेंट, ये सबसे बड़ा योगदान है। और हमारे कांता शेठ पाटिल जो हमारे सबसे बड़े आधार स्तंभ है, कृष्णा शेठ पाटिल, उनका भी सबसे बड़ा योगदान इस एबली ट्रॉफी के लिए। हिमांशु तैयार, अगली बॉल, शॉर्ट बॉल है, लीजिए तोहफा कबूल, गेंद सीमा पर स्क्वायर लेग, बिग हिट छक्का। हिमांशु मात्रेसाठी कॅश प्राइज, पाठोपाठ 3 षटकार गोट्या मात्रे, रोशन पाटील, बबल्या पाटील यांच्या माध्यमातून रोहन पाटील यांच्या वतीने 3,000 रुपयाचं कॅश प्राइज। शॉर्ट बॉल को हुक किया, बहुत पीछे गेंद फेंकी थी, बहुत खराब गेंद थी, लेंथ छोटी रखी थी मनीष पाटील ने, और उसका नतीजा बिग हिट छक्का। अगली बॉल, ओ हो स्वीप है, पैडल स्वीप ओवर द लॉन्ग लेग फाइन लेग, क्लास पैटर्न शॉट, ट्रेडमार्क हिमांशु मात्रे देसाई, द मैन फ्रॉम कल्याण डोंबिवली, बिग हिट छक्का। वाते जय श्री राम। खऱ्या अर्थाने अयोध्येतील श्री राम मंदिरासाठी रामशेठ ठाकूर यांच्या माध्यमातून 1 कोटीचं मानधन राहिले, तर निश्चित स्वरूपात अयोध्या मंदिर उभारण्याकरता लोकनेते माजी खासदार रामशेठ ठाकूर साहेबाई 1 कोटी, आणि रयत शिक्षण संस्था आहे ना सातारा, रोशन प्रवीण आहेत सागर जोडलेले आहेत, रयत शिक्षण संस्थेची भव्य इमारत उभारण्याकरिता लोकनेते माजी खासदार आदरणीय रामशेठ ठाकूर साहेबांनी 5 कोटी रुपयांचं आर्थिक सहकार्य केलं देणग्या स्वरूपामध्ये। तिथे पहा आपण स्क्रीनवरती आमचे शिलेदार पाहत, आमचे रॉयल आयोजक, क्या बात है, एकच वादा जगन्नाथ दादा जिन्होंने जय हनुमान टीम को बनाया, हमारे मुख्य आधार स्तंभ, तब जाके ये आयोजन आपको देखने मिला। रोशन, आयोजन एक इंसान से नहीं होता, सभी पूरी की पूरी फौज आपके साथ होनी चाहिए, गडगे सर सब में एकता होनी चाहिए, तब रोशन आयोजन होता है। और ये देखिए जय हनुमान क्रिकेट टीम वल्लभ की एकता कितनी बढ़िया है, खास करके जगन्नाथ पाटिल ने टीम बनाई, और हमारे एवन जोड़ी परेश शेठ पाटिल और राजेश शेठ पाटिल का साथ मिला, तब जाके एमएलए ट्रॉफी का ये सरताज, ये सल्तनत इस मैदान पे बनी। नक्कीच रॉयल आयोजक पादा, परेश जी पाटील, राजेश पाटील, जगन्नाथ जी पाटील, प्रतीक पाटील, नवनाथ खुटारकर, संजोग पाटील, चंद्रकांत पाटील, चेतन पाटील, प्रवीण पाटील यांची साथ पाहायला मिळते संपूर्ण आयोजनासाठी। मॅच की बात करेंगे, 32-2 मनीष पाटील को 2 छक्के लगे लगातार, 3 बॉल पे 13 रन दिए।
स्क्वेयर कट करना चाहते हैं पॉइंट के ऊपर से, गेंद बल्ले का कनेक्शन नहीं हुआ, एक और शून्य। हितेश लगातार 3 सिक्स लगाएंगे तो यहाँ पे सम्मानित कुणाल और निखिल मात्रे इनकी ओर से 5,000 का इनाम होगा और हर छक्के के लिए बल्लेबाज को 1,000 का इनाम। रोशन इनाम बहुत है, अगर कोई खिलाड़ी इंडिविजुअल 50 मारता है तो कांता शेट पाटिल की ओर से 10,000 मिलेंगे। कितनी बढ़िया मुकाबले। शॉर्ट बॉल है, हुक किया स्क्वायर लेग पे, तीसरा छक्का इस ओवर में, तोड़फोड़ परफॉर्मेंस, बिग इट सिक्स। आमचे रॉयल आयोजक मंचाकडे प्रस्थान करतायत, आपले सहर्ष स्वागत। काय फटका खेळलाय, बॅटिंग मार्क वरती हितेश भोईर, नावामध्ये हिट हा शब्द दडलाय, हितेश ऑन अ फायर, धमाकेदार फटकेबाजी, एकूण धावा धावपटल वरती 2 गडी बाद 38। क्या बात है सन्मान्य वसंतजी फडके, इनका आगमन होता हुआ, आइए आपका स्वागत है। 3 छक्के ओवर में स्वीप किया है, एक और चौका, क्या शॉट है भाई, दिल खुश कर दिया। ये कल्याण डोंबिवली की देसाई टीम, आज इनकी बारी है लेकिन अगले इनिंग में वलवली की बारी आएगी। एक और शानदार चौका और 3 ओवर का खेल समाप्त हो गया और इसी 3 ओवर के 18 गेंदों पे रिची प्रतिष्ठान देसाई टीम का टोटल बनता हुआ 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। खेल समाप्त हो दो 2 गड़ी बाद 42 धावपटल बढ़ती। मनीष पाटीलच्या षटकामध्ये 3 षटकार 1 चौकार 1 डॉट बॉल 1 एकेरी धाव आपण इतना पाहिली, परंतु स्लॉगरच्या षटकामध्ये आई गावदेवी 11 वलबली टीमला इथे कमबॅक करावा लागेल। क्या बात है, ना मुहूर्त देखते ना सूरत देखते, हितेश और हिमांशु देसाई टीम की जरूरत देखते है। आज देसाई टीम में रिची की यादें जरूर है और उनकी यादों को ताजा करते हुए उस टीम का नाम है रिची प्रतिष्ठान देसाई, लेकिन नहीं बोलेंगे देसाई टीम में सबसे उम्र तराज खिलाड़ी हमारे सबके प्यारे सुखदेव काका मात्रे भी मौजूद है, जिनकी उम्र 60+ है लेकिन उनके अंदर जोश, 18 साल का खिलाड़ी भी यहाँ पे उनसे बेहतर नहीं होगा, इतना अच्छा खेल करते सुखदेव काका। तर सन्माननीय संतोष तांबोली साहेब माजी सरपंच कोपरा यांचं आगमन झालेलं आहे आणि रायगड भूषण पुरस्काराने सन्मानित असणारे संगीत क्षेत्रातील खऱ्या अर्थाने वादक क्षेत्रातील एक ऋषी आदरणीय व्यक्तिमत्व आदरणीय मधुकर बुवा ढोंगरे रायगड भूषण यांचं आगमन इथे झालेलं आहे, मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे। संजय पाटील आपलंही स्वागत आहे। रायगड भूषण पुरस्काराने 2022-2021 मध्ये त्यांचा सन्मान केला गेला। अगली पेशकश, धमाकेदार फटकेबाजी, अच्छा रात्रीतील अतिशय लांबलचक फटका, फलंदाज हिमांशु मात्रे ऑन अ फायर सिक्सर। यो बॅटमन हुक मी एका एका एका, त्याने उतुंग मारलाय छक्का, त्याने उतुंग मारलाय छक्का। थँक यू डीजे हिमांशु संतोष मात्रे, आक्रमकतेचं उदाहरण तो स्पष्ट करतो। क्या बात है, स्टँड अँड डिस्पॅच, ये होम डिलिव्हरी थी रोशन, जैसे अमेजॉन मिंत्रा प्रोडक्ट डिलीवर करते उतनी तेज बढ़िया बल्लेबाजी। बिग इट सिक्स हिमांशु मात्रे, छोटा पैक बड़ा धमाका, 6 चंडू 21 धावसंख्येच योगदान त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं। रुद्र वॉशिंग सेंटर चे ओनर सन्माननीय प्रवीण जी अगलावे कोलवाड़ी आपले सहर्ष स्वागत असेल। गोलंदाज सज्ज होतो रमेश श्रीवास्तव बॉलिंग ट्रैक वरती, ओहो पुन्हा एकदा प्रहार केलाय, क्षेत्ररक्षक सज्ज असतील, एकदा प्राप्त केली जाते, दुसरीचा प्रयत्न आहे परंतु नकार, परंतु फिल्डिंग खराब, स्वतः गोलंदाज चंडू जज करण्यासाठी अडथळला आणि त्यानंतर 2 धावा कंप्लीट होत आहेत। धावसंख्या वेगवान 50 शिपार 50 धावा धावपटलावरती, सांगी कोठ्यातील हे अर्धशतक। आणि सन्माननीय मेहबूब ग्रुप पडगे यांचं देखील स्पर्धेमध्ये शुभागमन झाले, मेहबूब ग्रुपचं आम्ही स्वागत करतोय। थर्ड अंपायर आइए टीव्ही स्क्रीन पर, तिसरे अंपायर आयोजक जगन्नाथ पाटील देखेंगे टीव्ही स्क्रीन पर। कंट्रोल रूम मध्ये त्याची मात्र पाणी केली जाईल, माटे अंपायर आमचे सज्ज असेल, आमचे आयोजक त्या ठिकाणी सज्ज असेल, प्रवीण पाटील आपण या। प्रवीण पाटील जगन्नाथ पाटील, तर व्यासपीठावर आता
रायगड भूषण पुरस्कार ने सन्मानित असलेले संगीत क्षेत्राला योगदान देणारे। स्वीप किया शॉट को हिमांशु मात्रे स्क्वेयर लेग पर, फील्डिंग अच्छी है, एंड ऑफ द मूवमेंट में रोका है, लेकिन गेंद को थ्रो करेंगे उससे पहले। यहां से दो रन मुकम्मल। सुपर एट का आखिरी मुकाबला, तीन टीमें क्वालिफायर हो चुके सुपर फोर में। सबसे पहले लीसा इलेवन जीजी स्पोर्ट्स वाकलन, दूसरा मैच तिरंगा धुंधरे और तीसरा मैच आपने देखा गौरी स्पोर्ट्स ने वाली। एक टीम की जगह बची है टिकट टू सेमी फाइनल। क्या ये टिकट मिलेगा देसाई को या वलवली को? बल्ले का किनारा इनसाइड एज, एक और विकेट मिलता हुआ रमेश के खाते में और 52 पे तीसरा झटका टीम देसाई। विकेट पतन रमेश श्रीवास्तव, आपलं वास्तववादी खेळ त्याच्या माध्यमातून सफर करतो। बॅटची कडा लागली आणि त्यानंतर मुकेशनं चांगला झेल पकडला। गुणतालिकेवरती दश अवतारी रावण, धावसंख्या पाहायला मिळते 52, एकूण तीन गड्यांची आपण कत्तल पाहिली। स्लॉगरच्या षटकामध्ये रमेश तयार। तर बघा प्रेक्षकांसाठी, बघा ज्यांना नाव नोंदवायची असतील त्यांनी लकी ड्रॉ साठी जरूर आमच्याकडे संपर्क साधावा। हा 12 लकी ड्रॉ ओपन केले जाईल आणि प्रेक्षकांसाठी लकी ड्रॉ साठी ते स्पोर्टची सायकल असेल। संजोग पाटील भारतीय जनता पार्टी वल्लभगाव उपाध्यक्ष आहे, त्यांच्या माध्यमातून हे पुरस्कृत केलेलं आहे। आणि बघा स्पोर्टचे निश्चित स्वरूपात जी जर्सी ज्यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केलेली आहे ते आमच्या स्पर्धेचे कॅशियर शशिकांत सांगडे, आपले स्वागत आहे। ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स। बक्षिसांचं मायरगर वल्लभगाव आमदार ट्रॉफी और यहाँ पे बाईसाइकिल मिलेगी किसी एक लकी दर्शक को, तो जरूर 12 ये लकी ड्रॉ ओपन होगा। 52 पे तीन आखिर के दो बॉल टारगेट सेट करना है देसाई। मोरेश्वर पाटिल स्ट्राइक इन पर रमेश की गेंद, दिशा खराबे ऑफ स्टंप की बहुत ही बाहर, व्हाइट बॉल। पाप प्रवीण यष्टांच्या मागे जर्सी क्रमांक 7 मुकेशला पादा आणि एकूण 3 जेल तो यष्टांच्या मागे पकडतो। मुकेश बहुत पुराने खिलाड़ी है, आज ओपनिंग के लिए जरूर आएंगे, अनुभव बहुत बड़ा है उनको, ओल्ड इज गोल्ड। और आज उनकी बल्लेबाजी चली तो एक बड़ा बेनिफिट होगा टीम गावदेवी वलवली के लिए। स्क्वेयर कट किया है पॉइंट के ऊपर से विशाल है, पीछे 18 नंबर की जर्सी, बढ़िया थ्रो है, यहां से एक मिलेगा। रोशन शुरुआत कमाल की हुई और हितेश भोयर देखे नॉट आउट, 10 गेंदों पे 23 की पारी। पा दोनों संघांचा आपण ड्रेसिंग कोड पाहता, एकीकडे भारत दुसरीकडे श्रीलंका, क्या बात है। इससे पहले आपने रोशन देखा कानपोली वलवली का मैच ऑस्ट्रेलिया भारत, और उसके बाद आप देखिए श्रीलंका भारत का ये ड्रेस कोड है। देसाई लग रही है श्रीलंका टीम का ड्रेस कोड और भारत का ड्रेस कोड वलवली टीम के पास। आखिरी बॉल टारगेट सेट गेंदे रोशन, कल वल्लभ के गेंदबाज ने ऐसी गलती की थी और अंपायर ने उसको बिल्कुल स्टंप को गेंद लगी थी इसलिए अंपायर ने वहां पे नो बॉल घोषित किया था। चलाकी चलाकी दाखवण्याचा प्रयत्न होता रमेश सा। तीन गड्यांची कत्तल पाहिली, धावा धाव पडल्यावरती 50 पार 54 बॅटिंग मार्क वरती हितेश भोईर, नाव मध्ये हिट हा शब्द दडलाय। ओहो वेगवान चंडू, पंचांचा इशारा वाइट बॉल। एक आखिरी गेंद फेंकने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है रमेश के द्वारा, और व्हाइट बॉल के बाद 2 व्हाइट बॉल, ये लंबी ओवर है 8 गेंदों की, थोड़ा मुश्किल बनेगा। 55 पे 3, अगर एक बड़ा स्ट्रोक आएगा तो 60 के ऊपर बनेंगे। ये मैच बहुत बड़ा होगा रोशन सुपर एट का, जैसे मुरबी धुंधरे का हुआ था आखिरी गेंद तक, ये बनेगा मैच। पुल एंड पावरफुल, क्या शॉट है भाई, नॉट आउट बल्लेबाजी हितेश भोईर, द डायमंड ऑफ टीम देसाई। और यहां से अंपायर का सिग्नल आता हुआ बिग इट 6 और क्या मुकाबला बना है, काय फटका खेळला हितेश ने, त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने सीमा रेषा पार सारण पाहिल्या। 700 रुपये कमवायची संधी होती प्रेक्षकांना। आईवा कॅच, आईवा कॅच के लिए भी बहुत बड़ा इनाम है, छूट गई, दर्शक रूठ गए, लेकिन यहां से टारगेट सेट करते हुए टीम रिच प्रतिष्ठान देसाई। तर थँक्स, दमदार लढत आपल्याला इथे बघायला मिळतो। म्हणजे या सामन्यामध्ये दोन्ही क्रिकेट संघाचा जर विचार केला, प्रवीण रोशन फलंदाजी खूप मोठी भिस्त आहे, तर मान्यवरांचा आपण इथे सन्मान करणार आहोत। सन्माननीय संतोष तांबोली माजी सरपंच कोपरा, संतोष यावं आपला सन्मान इथे केलं जाईल। संतोष तांबोली एकेकाली ज्यांना कोपरा ग्रामपंचायतीचे सरपंच होण्याचं भाग्य लाभलं अशा व्यक्तिमत्वाचा सन्मान इथे केलं जाईल।
सन्मान्य आमचे राजेश पाटील, चंद्रकांत पाटील, जगन्नाथ पाटील आणि परेश पाटील, नवनाथ कुटा खऱ्या अर्थाने कुटारकर यांच्या शुभ हस्ते, कोपरा ग्राम पंचायतीचे माजी सरपंच एकेकाली जना कोपरा गावाच्या दृष्टिकोनातून खऱ्या अर्थाने विकासाला ज्यांनी संकेत दिलं अशा व्यक्तिमत्त्वाचा येतोची सन्मान यशस पाटील स्मृतिचषक आणि सन्मान्य आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषकाच्या माध्यमातून ते सन्मान केला जाते. यानंतर संगीत रत्न रायगड भूषण मधुकर बुआ ढोंगरे ढोंगा इथे कुंभारपाडा यांचं स्वागत केलं जाईल. संगीत रत्न खऱ्या अर्थाने की होय होय वारकरी पाहे पाहे रे पंढरी पंढरीचा वारकरी सह्याद्रीचा धारकरी वारकरी सम्राटाचा संस्कार दीप मनामनाच्या गाभाऱ्यात अखंडपणे ठेवत ठेवणारे भक्तिमय ज्यांचं अंतःकरण आहे आणि उर्वरित संपूर्ण आयुष्य खऱ्या अर्थाने ज्यांनी पांडुरंगा चरणी समर्पित केलेलं आहे असे महाराष्ट्रातील नामवंत पखवाज वादक रायगड भूषण पुरस्काराने सन्मानित असणारे आदरणीय रायगड भूषण मधुकर बुवा डोंगरे साहेबांचं स्वागत केलं जात आहे. की काजव्याप्रमाणे चमकण्यापेक्षा दीपस्तंभासारखे अखंड तेवत राहू संगीत क्षेत्राला खऱ्या अर्थाने सांप्रदायिक क्षेत्राला या उक्तीप्रमाणे समाजाला योगदान देणारे अनेक शिक्षक घडवणारे आमचे परम मित्र रायगड भूषण मधुकर बुवा आपलं मनपूर्वक आम्ही ते सरसे स्वागत करतो. आणि यानंतरचा सन्मान असेल निलेश चोरमेकर. निलेश चोरमेकर यांचा सन्मान इथे केला जाईल. शांत स्वभावाचे व्यक्तिमत्व त्यांचा येतोची सन्मान केला जाईल. यानंतर गणपत पाटील धुंद्रे, गणपत पाटील धनाजी जले वाजे, राम पाटील वलप, महेंद्र सांगडे वलप, बोला गणपती बाप्पा, छत्रपती शिवाजी महाराज की. इथे सन्माननीय गणपत पाटील धुंद्रे यांचं स्वागत आमचे राजेश पाटील यांच्या शुभास्ते केले जात आहे. महेंद्र सांगडे, त्यानंतर धनाजी जले आणि राम पाटील वलप यावं आपण. वसंत फडके यांचं सन्मान इथे केलं जाईल. जगन्नाथ बोपी यांचं व्यासपीठ आगमन स्वागत आहे तुमचं. व्यासपीठ आम्ही पाहतो. दत्ता शेठ मस्कर टेंबडे उपस्थित आहेत. यशस पाटल्यांचे खास ते सोयरी आहेत खऱ्या अर्थाने. आज जरी यशस पाटील नसतील परंतु चांगोशेठ पाटील वल्लभ आमचे लक्ष्मण दादा वल्लभ खऱ्या अर्थाने तुमचा आम्ही आभार व्यक्त करू. जगन्नाथ भोपी आहेत. आजचा पाचवा दिवस प्रत्येक संपूर्ण स्पर्धा संपण्यापर्यंत ते आणि बबनदादा पाटील असतील वल्लभचे तुमचा आम्ही आभार व्यक्त करू. खूप योगदान बोलू या सामन्याकडे. यस थँक्यू. सुपर एट का आखरी मुकाबला गावदेवी वलवली और उनके खिलाफ है रिची प्रतिष्ठा देसाई. टारगेट की बात करेंगे. टीम देसाई का बना टोटल 61 रन. कंपल्सरी चेसिंग का मैच है और यहां से गावदेवी वलवली को चाहिए जीत के लिए. चार ओवर में 62 रन. सुपर एट का एक सबसे बड़ा हाई स्कोर मैं कहूंगा गावदेवी वलवली के सामने. रोशन देखिए, यही गावदेवी वलवली पालेश्वरी नाइट रजनी में चैंपियन रही, सपना पूरा किया. आप वल्लभ के सरजमी पर आई, क्या यहाँ पे सपना पूरा होगा? देखने वाली बात है. और यहाँ से टीम वलवली को हमारे धर्मराज मात्रे और हमारे दिनकर भारती सर इनके ओर से आयोजन को भी शुभेच्छा आते हुए उनका भी स्वागत. अमिशन मात्रे घे सर आगमन यावा व्यासपीठ आणि दिनकर बारशे उत्कृष्ट क्रिकेट समालोचक पाले बुद्रुक पालेश्वरी क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजक आहेत. नाईट स्पर्धेचे आपले स्वागत आहे. त्यानंतर सत्यवानजी मात्रे असतील आणि त्यानंतर मेघनाजी मात्रे आपलंही सहर्ष स्वागत. लक्ष वेधू या मॅच कडे. 24 चेंडू जिंकण्यासाठी 62 धाव संख्येची आवश्यकता. ब गटातील सुपर एटचा हा महामुकाबला. टीव्ही स्क्रीन पर रिक्वायर रन रेट 15.50 प्रति ओव्हर से चाहिए वलवली टीम को. शुरुवाती ओपनिंग जोडी ऋषिकेश अजिंक्य मात्रे गेम ऑन. जरा जोरदार तालिया दोनों टीमों के लिए. चार ओवर का मॅच. परफेक्ट यॉर्कर, इसे व्हाइट यॉर्कर बॉल कहते. गति ज्यादा है. सबमरीन ढीलौरी बादल मात्रे के द्वारा. शून्य अतावा. तकरीबन 120 की रफ्तार है इनके गेंद में और पहली गेंद पे चकमा दिया है ऋषिकेश को. काबला अच्छा होगा. वलवली के दर्शक भी आ चुके हैं, देसाई के दर्शक जुड़ गए. दोनों का स्वागत है. सुपर एट का आखिरी मैच. शॉर्ट एंड पुल स्क्वायर कट किया है पॉइंट के ऊपर से डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा पार.
चार रनों के लिए। दीप पंडरी ची वाट केवा दिसते बघा रमला। वाट दोन्ही संघांसाठी खडतडे आणि पहिला बॉल डॉट आणि त्यानंतर दमदार चौकार। जिद्दी खिलाडी वलवली का ऋषिकेश चौधरी और जिद्दी खिलाड़ी देसाई का गेंदबाज बादल मात्रे। ये मुकाबला अच्छा बनेगा, आखिरी बॉल तक खेला जाएगा। फिर से कट किया ऊपर है, पहला विकेट मिलेगा, मिल गई विकेट ऋषिकेश चौधरी मैदान छोड़ते हुए। काफी बढ़िया कैच। सबसे बढ़िया कैच और ये कैच पकड़ने वाले शख्सियत है नो डाउट 60+। जरा जोरदार तालियां सुखदेव काका मात्रे के लिए। वरिष्ठ खेलाड़ू ज्येष्ठ खेलाड़ू टीम ऋषि प्रतिष्ठान देसाई बॉलिंग ट्रैक वरती अपन वादल निर्माण करते अपन बादल। क्या बात है, बादल की तेज गेंद और सुखदेव काका मात्रे जिनकी उम्र 60+ 60 के ऊपर है, आज उनकी फील्डिंग कितनी मजबूत है देखिए, क्या बॉडी लैंग्वेज है उनकी। ऐसी उम्र में लोग तो ज्यादातर घर पे बैठे रहते हैं लेकिन ये मैदान के अंदर है। मैं कहूंगा शेर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए वो कभी घास नहीं खाता। प्रवीण कोविड च्या कालखंडामध्ये संक्रमण झाले त्याच्यामध्ये आपण रिच मात्र एक स्टार खेळाडूला आपण गमावलं, परंतु त्यांचे पिताश्री दमखम दाखवतायत आपल्या संघासाठी आपल्या गावासाठी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब तुम्हारी कामयाबी शोर मचाएगी। अब मैदान के अंदर बाहुबली रोहन चिखलेकर। क्या गेंद है, कमाल का बाउंस था गेंद में, कितनी तेज गेंद करते बादल मात्रे। यहां से अंपायर का सिग्नल बाइट्स, एक रन कंप्लीट और टीम का टोटल 5 रन 1 विकेट। 5 चांगली फील्डिंग पाहायला मिळते दिलीप पाटील हे वरिष्ठ खेळाडू टीम देसाई टीमच्या माध्यमातून पाहता। धावसंख्या गुणतालिकेमध्ये पाहायला मिळते, एका गडाची कत्तल पाहिली, 5 धावा धावपटाला वरती समीकरण येऊन ठेपते। 20 चेंडू जिंकण्यासाठी 57 धावसंख्येची आवश्यकता। बॅटिंग मार्क वरती अजिंक्य मात्रे। ओहो अजिंक्य आक्रमकता सिद्ध करतो, ऑफ ड्राइव्ह करण्याचा प्रयत्न, तोही सक्सेसफुल, मिळतील 4 रन चौकार। संगीताची मैफिल जर या मैदानामध्ये काउंटिंग केली ना तर जास्तीत जास्त प्रेक्षक वलवलीचे पाहायला मिळतील। बिलकुल सही, जैसे ही रोशन बड़ा स्ट्रोक आता है तालियां ज्यादा बजती है, यानी वलवली के दर्शक ज्यादा है। देसाई के दर्शक कुछ होंगे और कुछ मुकाबला यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनका भी स्वागत। यहाँ पे वलवली को जीत के लिए एक ओवर में 15.50 करना है, यानी कुल मिला के 16। ऐसे में आखिरी बॉल पे बड़ा स्ट्रोक आता है तो रन रेट बनेगा अजिंक्य। यस बिग इट इनसाइड आउट, ये सबसे बड़ा विकेट है। देसाई टीम बहुत आगे निकल गई इनकी ट्रेन पटरी के सहारे, अब ये जर्नी पूरी होगी देसाई की। दमदार दमदार झेल राहिला बॉलिंग ट्रैक वरती अपन बादल मातेला पाता, मोटा फटका खेलण्याचा मनसुबा राहिला आणि त्यानंतर हिमांशु संतोष मात्रे यांनी पकडला दमदार झेल। क्या बात है, अजिंक्य मात्रे को 0 पर आउट करना यह सबसे बड़ी उपलब्धि है टीम देसाई के लिए, क्योंकि यह सबसे बड़ा खतरा था। लेकिन अब मैदान के अंदर एक और अनुभवी खिलाड़ी, दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखे तो दोनों बाहुबली, एक रोहन चिखलेकर तो दूसरा मुकेश शेलटकर। दमदार दमदार लड़ती आपण आगास पाहता, पूर्णपणे खुन्नस क्रिकेट दोन संघांच्या माध्यमातून सफर होतो आणि अंतिम पड़ाव मध्ये आता मात्र मैच पाहायला मिळेल। 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि मोठा पल्ला गाठायचा आहे अजूनपर्यंत। आई गावदेवी 11 वलवली टीमला 53। बिल्कुल वलवली टीम के लिए जरूर कहेंगे उम्मीद जिंदा रखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तर वलवली क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांना लागोपाठ 3 षटकारासाठी सचिन शेठ चौधरी माजी उपसरपंच वलवली आणि दीपक पाटील माजी उपसरपंच वलवली यांच्या वतीने 2000 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल। गोवर्धन शेठ पालेकर इथे आम्ही पाहतो, सत्यवान मात्रे एक आदर्श क्रिकेट समालोचक, त्यानंतर मेघनाथ मात्रे नामवंत क्रिकेट समालोचक वलवली, मेघनाथ आपलेही
मनपूर्वक सर चे स्वागत आहे। देसाई गाव से जावई मनोजी मस्कर कोप्रोल यांच्या माध्यमातून देसाई टीमला शुभेच्छा। बॉलिंग ट्रैक वरती दिलीप तैयार। दिलीप बहुत साल का अनुभव है और रोहन चिखलेकर को भी बहुत सालों का अनुभव है। क्रिकेट में दोनों ने कई अच्छे दिन बुरे दिन देखे, अब मजा आएगा। दो अनुभवी खिलाड़ी। लेग ब्रेक किया है, चकमा दिया रोहन को, बैटकट कहा उन्होंने अंपायर से और यहां से डॉट बॉल की समाप्ति। शून्य दिलीप पाटिल ये बहुत बड़े अनुभवी खिलाड़ी है और इनके गेंद में गति कम होती है, एक गेंद दिमाग से करते। रोशन देखिए मुथैया मुरलीधरन, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जिनके नाम पे सबसे ज्यादा विकेट है और उतने ज्यादा विकेट का रिकॉर्ड आज तक किसी ने तोड़ नहीं पाया, इसलिए स्पिनर का बोल बाला हमेशा टेनिस क्रिकेट में होता है और ये स्पिनर गेंदबाज फिरकी का जादूगर दिलीप पाटिल अपनी छाप छोड़ता हुआ। बैटिंग मार्क वरती वर्ल्ड टीम पादो, पहिल्या मैच मध्ये कानपुर टीम ला परास्त केलं, दुसरा मैच मध्ये जावले टीम ला परास्त केलं आणि निश्चितच मातंबर खेळाडूंचा भंडा असलेला हा आपण वलवली संघ पाहतो आणि अंतिम लढती दरम्यान उसाटने संघाविरोधात काय सुसाट खेळ राहिला। क्या बात है, वलवली ने कानपुली को दो बार पराभूत किया, ऐसे में इनका बोलबाला बहुत ज्यादा है। कानपुली टीम सबसे ज्यादा फॉर्म में रोशन, अगर उसे आप हराते हो दो बार तो आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, आप धीरे धीरे बड़े बनते जाओगे और ये आप खिताब वलवली के पास है। लेकिन देसाई की ये स्पिनर गेंदबाजी, आप कहेंगे कि ये नंबर वन गेंदबाजी चल रही है अभी, क्योंकि तीन बॉल पे एक रन, ये कमाल की ओवर है। लेग ब्रेक, रोहन चिखलेकर मुकेश को परेशान कर रहा है, सिरदर्द बन गया ये गेंदबाज, क्या कहोगे रोशन, इतनी बढ़िया विकेट। जीत भोईर ने भी कहा कि वल्लभ की जो विकेट है ना वो किसी भी बल्लेबाज को फंसा सकती है। पाय इथे पूर्णपणे बीट केलं, त्यानंतर तालमेल मध्ये आपण अभाव पाहिला, दोन खेळाडू मध्ये सल्ला मसलत राहिली नाहीये आणि त्यानंतर मात्र रनआउटच्या स्वरूपामध्ये मुकेश मात्र इथे बाद होतो। पा पहिली सुपर एटची आपण लढत पाहिली, कांबोडी संघाचा बारक्या बाद होणं हे निश्चितच धोक्याचं कार्य राहिलं होतं वाकलेन संघाविरोधात कांबोडे। क्या बात है, बारक्या रनआउट हुए थे उसके बाद कांबोडे का टोटल बहुत छोटा बना 40 के नीचे और केतन मात्रे के तगड़ी बल्लेबाजी ने, जीत बोर के बल्लेबाजी ने वो मुकाबला वन साइड चेस किया और दूसरा मुकाबला गेंदबाजों के ताकत पे तिरंगा धुंधरे ने जीता और तीसरा मुकाबला भी बिग फाइट था जहाँ पे बल्लेबाजी की ताकत पे गौरी स्पोर्ट्स लेवाली ने जीता। तीन घड़ी बाद दहा धावपटाऊ पटल वरती बैटिंग मार्क वरती मध्यम क्रमी फलंदाज रोहन चिखलेकर त्याच्या सहसाथीनं निलेश मातेला आता दादागिरी प्रस्तावित करावी लागेल, परंतु दिलीप पाटील एक लिजंड प्लेयर बॉलिंग ट्रैक वरती पूर्णपणे दहशतीचं वातावरण प्रस्थापित करतायत। ओहो रोकून धरले, पूर्णपणे बांधून ठेवले, धावसंख्येला लगाम लावण्याचा प्रयत्न तोही सक्सेसफुल। पांच गेंद एक रन, इससे बढ़िया गेंदबाजी सुपर एट में हो नहीं सकती। आज मैडन ओवर आए, विकेट मैडन ओवर आए और ये सोने पे सुहागा दिलीप पाटिल की ओवर। सुपर एट मध्ये ग्रेट गोलंदाजी दिलीप पाटिल। ओहो इथे स्विच इट, चांगला धमाकेदार हा फटकार राहिला, मिळतील एकूण चार रन। लढत असणार आहे जे मोटार्स नितीन इलेवन धुंद्रे क्रिकेट संघाचे संघनायक आणि गौरी स्पोर्ट नेवाली क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचा आहे। स्पर्धा ऑर्गनायझर पाहतो आमचे परेश पाटील, जगन्नाथ पाटील, चंद्रकांत पाटील, प्रतीक पाटील, राजेश पाटील, संजोग पाटील, चेतन पाटील, नवनाथ कुटारकर, प्रवीण पाटील, शशिकांत सांगडे, राकेश, त्यांचे सर्व प्रताप, त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या वतीने आणि जर्मन क्रिकेट संघ वलभ आमचे सर्व ऑर्गनायझर कमिटी आहे यांच्या वतीने सर्व प्रेक्षकांचा आम्ही ते आभार व्यक्त करत आहोत। महागुरु लाखो रुपयांची उलाढाल असते नाईट स्पर्धेमध्ये, एखादं लग्न परवडलं परंतु नाईट स्पर्धा खूप कठीण असते ना निश्चित स्वरूपात, परंतु या स्पर्धेमध्ये बघा सामनावीरसाठी चक्क पाच पारितोषिक आलेले आहेत आणि परेश दादा पाटील खऱ्या अर्थाने एस एस पाटील कंस्ट्रक्शनचे MD आहेत, मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत, त्यांनी सांगितलेलं आहे की पुण्या हे एस एस पाटील यांची पुण्याई आणि या स्पर्धेमध्ये निश्चित स्वरूपात बक्षिसांची आतषबाजी होईल। पाच चेतन कांताशेठ पाटील यांनी बंडल तयार ठेवलाय 10,000 रुपयाचा। क्या बात है, 50 नहीं आ रहे अभी तक, 10,000 किसको देंगे। शॉट अच्छा है पीछे, वलवली टीम फंस गई बीच बॉवर में, एक और विकेट,
रोहन चिखलेकर की पारी समाप्त होती भी, पूरी जिम्मेदारी नीलेश मात्रे के कंधों पे आएगी अभी, क्योंकि जीत के लिए दिल्ली बहुत दूर है। ये स्ट्रोक देखिए, हवा में बॉल, एक्शन रिप्ले और सेकेंड स्लिप शॉट फाइन लेग पे, कमाल का कैच। देसाई आज कोई नहीं गलती कर रही और एक ठाणे की टीम शायद रोशन आज ट्रॉफी उठाएगी। बलशाली फटका खेलने का प्रयत्न होता परंतु कैमरा वर खूब देखना पाला मिल दो। पनवेल टेनिस क्रिकेट डॉट इन तुम्हारा सर्वांची लाड़की प्रक्षेपण वाहिनी PTC फाउंडर संदीप जी वास्कर पेटगाव त्यानंतर KD ब्रदर्स और त्यांच्या सहसाथीने आमसे अक्षय यांच्या माध्यमातून एक दमदार कार्य। PTC लाइव के पास 242,000 सब्सक्राइब है रोशन। पहली रात इस प्रतियोगिता को 1.5 लाख लोगों ने लाइव देखा, कई मर्तबा पूरे व्यूज मिले और लगातार पांचवी रात है 2 या 3 लाख से अधिक व्यूज गए। ग्राउंड शॉट केला है इनसाइड आउट डीप कवर पे, यहां से सिंगल। अब सिंगल डबल का मैच नहीं रहा क्योंकि 10 गेंदे बचे है वलवली के पास और जीतने के लिए 47 चाहिए। दिल्ली दूर है, अब मैं कहूंगा कि एरोप्लेन से उड़ना होगा, मोटी उड्डाण घ्यावी लागतील। 10 चेंडू जिंकण्यासाठी 47 धावसंख्येची आवश्यकता आहे। या धावा बनताना सुद्धा आपण अनेक वेळा टेनिस विश्वामध्ये पाहिले, त्या धावा इथे चेस करण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल। संघर्षाचं कालतंत्र पूर्णपणे आपल्या बाजूने खेचत असताना देसाई आणि संघर्ष करते, इथे रेफर केल्या तिसऱ्या पंचांच्या माध्यमातून पंच पाहायला मिळत आहेत। अनिलजी टेंबे सर वलपगाव आणि त्यांच्या सहसाथीनं रवी पाटील सर रोहिंजन। तर मान्यवरांचं आगमन होत आहे, धनराज राजपूत, शुभम क्रेन आणि सर्व्हिस आणि तुषार सोंडके यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला 15,000 रुपयाचं आर्थिक सहकार्य आहे। स्वागत आहे आपलं आणि व्यासपीठावर संजय पाटील वल्लभ यांना पाहतो आम्ही। राजेश शेठ पाटील ठाणे जिल्हा बँकचे अध्यक्ष आहेत, अमरनाथ तालुका भारतीय जनता पार्टीचे विद्यमान अध्यक्ष तथा सन्माननीय आमदार किसन कतोरे साहेबांचे मानसपुत्र म्हणून परिचित असणारे राजेश शेठ पाटील मांगरूळ यांच्या वतीने या स्पर्धेला 10,000 रुपयाचं देणग्या स्वरूपामध्ये आर्थिक सहकार्य, त्यांचं मनपूर्वक आभार। रनआउटच्या स्वरूपामध्ये विकेटचं पतन, अजून एक गडी मात्र बाद होतो, 14 दे धक्का 15 धावा धावपटलावरती मोठा पल्ला अजूनपर्यंत गाठायचा आहे। जिंकण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागेल। 9 चेंडू 46 धावसंख्येची आवश्यकता, टीम आई गावदेवी 11 वलवली, गोलंदाज हिमांशु तयार, एक अष्टपैलू गुणवान खेळाडू पूर्णपणे आपली दमखम दाखवतो। तर संतोष तांबोले साहेब माजी सरपंच कोपरा यांच्या शुभास्ते नाणेफेक केली जाईल धुंद्रे विपक्ष नवाली गौरी स्पोर्ट। संतोष दादा यांच्या पण हो टू कॉमेंट्री बॉक्स। दिलीप पाटील ने जो कॅच पकडा उसके लिए सन्माननीय प्रिंस लक्ष्मण पाटील इनकी ओर से 2,000 का इनाम दिलीप पाटील आपके लिए। टैपिंग बॉल क्रिकेट, वलवली बीच बॉल में फंस गई, शुरुआत इनकी खराब हुई थी लेकिन मैं हितेश बोहर की तारीफ करूंगा, क्या नॉट आउट पारी के लिए हितेश और हिमांशु मात्रे। हिटमैन पारी त्यांच्या जोरावरती मोठा पल्ला पाहिला आपण पहिल्या पूर्वार्धामध्ये आणि हळूहळू मात्र वलवली टीमचे प्रेक्षक मात्र या स्पर्धेतून काढता पाय घेत आहेत। रोशन वलवली कानपली का जो मॅच हुआ था एकतर्फा हुआ, अगर बिग फाइट होता तो क्या मजा आता, कितने दर्शक आते वलवली कानपली के। आज भी वलवली के दर्शक उम्मीद लेके आए लेकिन किसी एक टीम को जीतना है। ये बेल्स निकल गई, LED बेल चमकती हुई, चमक धमक परफॉर्मेंस, हिमांशु मात्र की गेंदबाजी, कातिल गेंदबाजी इनकी आज, कलात्मक गोलंदाजीचा आपण आगाज पाहता। हिमांशु मात्रे कुठल्या प्रकारे मोठा फटका त्याच्या माध्यमातून खर्चिक झाला नाहीये, इकॉनॉमिकल स्पेल राईट हॅम ओव्हर द वीकेंड चेंडू सफर केला, यष्टांचा वेध राहिला, अजून एक गडी गारद, परफेक्ट गेंदबाजी। आज देसाई टीम जो चाहे वो कर रही है और सफलता मिल रही है इनको, बहुत बढ़िया, तारीफ लायक खेल है आज। श्रीलंका टीम के जर्सी, भारत टीम के जर्सी, ये मजा आ रहा है देखने में मैच। नक्कीच जणू का आशिया खंडातील दोन संघ आमने सामने खेळत आहेत, भारत बनाम श्रीलंका। आशिया कप जरूर होता है रोशन, जहां पे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, ये टीमें होती है जो आशिया विभाग में आती है और उसमें से हमने कई बार श्रीलंका को चैंपियन बनते हुए देखा है। 17 पे 6 विकेट, 6 बॉल, अगर 6 छक्के भी लगते वलवली नहीं जीतेगी, 45 चाहिए 6 बॉल पे। 6 गड़ी बाद 17 धावा धावपटलावरती 17 चा खतरा कुठेतरी मंडरावतोय वलवली टीमच्या बाजूने,
आणि इथे मात्र रिची प्रतिष्ठान देसाई संघाचा डंका राहिलाय. चला देसाई संघाच्या प्रेक्षकांनी जे पारितोषिक दिलेत आमच्याकडे त्यांना विनंती करतो तुम्ही परत या, जेणेकरून आपण तुमच्या खेळाडूंना कॅश प्राइज देऊया. पहिला बॉल आक्रमकतेने खेळण्याचा प्रयत्न ऑन साइडला, एक धाव प्राप्त होते, एक चांगली फिल्डिंग आणि त्याच्या जोरावरती कुठेतरी या मॅच मध्ये दमखम, त्यानंतर विकेटचं पतन आणि या लढती दरम्यान पूर्णपणे वाखाने जो कार्य राहिले टीम देसाई वलवली संघाविरोधात. क्या बात है हमारे देसाई के भावेश भावेश भोईर, एक बढ़िया चॉकलेट भाई, उनका भी स्वागत करेंगे. काफी ज्यादा इनाम और कुणाल शेलार उनके साथ निखिल मात्रे के, और इन्होंने भी हैट्रिक के लिए 5000 का इनाम रखा था. और दिलीप पाटिल इनके लिए भी यहाँ से 2000 का इनाम कैच के लिए आता हुआ. आज देसाई टीम मालामाल हो गई और ऊपर से सुपर फोर में एक जगह बची थी, इनके नाम अब वो जगह होगी. सुमित माते देसाई ये सुद्धा शुभेच्छा देता टीम देसाई साठी. आपल्या बाजूने पूर्णपणे मॅच झुकवताना देसाई संघ आणि मोरेश्वर पाटील सुद्धा कलात्मक गोलंदाजी या स्पर्धेमध्ये साकार केली आहे. तरी इथे सन्माननीय बघा भूषण पाटील आमच्या ऑर्गनायझर आहे, त्यांचे परम मित्र सन्माननीय श्री हर्षल पाटील बोलले, पंकज म्हात्रे आणि शुभम यादव यांचं आगमन झालेलं आहे, स्वागत आहे तुमचं. आखिर के चार गेंदे शेष है, स्टंप की आवाज सुनी, ये बेल चमक रही है, इनको निकलना होगा अभी. नक्कीच या स्पर्धेनं पूर्णपणे चमकदार कामगिरी केली आहे, चमकदार विकेट्स पतन पाठोपाठ दोन गडी बाद केले मोरेश्वर पाटील, जुना जाणता खेळाडू. जसं लोणचं जास्तीत जास्त मुरवाल तितकं टेस्टी लागत असतं, क्रिकेट मध्ये मुरलेला खेळाडू मोरेश्वर पाटील, दिलीप पाटील, सुखदेव काका म्हात्रे, टीम देसाई. रोशन वल्लभ के मैदान पे दर्शकों की कमी नहीं होती कभी, ये मिनी वानखेड़े ये देखिए, ऊपर दर्शक, फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे भी दर्शक है, ये जैसे इमारत में दर्शक बैठते मैदान स्टेडियम में वो वैसे दर्शक बैठे. सन्माननीय अशोक फडके यांचं आगमन झालेलं आहे, वासुदेव पाटील वल्लभ आपले ही जनमन क्रिकेट संघाच्या वतीने स्वागत आहे. तीन गेंद पे 44 रन चाहिए, इम्पॉसिबल. देसाई चौथी टीम बनेगी आज सुपर फोर के लिए, शुभेच्छा देंगे, कल्याण डोंबिवली की टीम है. रोशन देखिए पिछले मुकाबले में मुरबी टीम को हार मिली, धुंधरे जीती और नई टीम आई ट्रॉफी उठाने के लिए. मुरबी इससे पहले भी चैंपियन थी पिछले नाइट में, तो ऐसे में नई टीम धुंधरे और देसाई, ये कुछ नई टीमें मिले आज वल्लभ के मैदान पे. नक्कीच प्रवीण, स्वर्गीय एस एस पाटील स्मृति चषका मध्ये सर्वाधिक मोठा उलटफेर पहिल्या मॅच पासून पाहतो. बिल्कुल आपने सही कहा, और ये उलटफेर होना चाहिए, नई टीमें जब जीतती है मजा आता है. अब ठाणे के दर्शक मॅच देखेंगे पूरा. रायगडाचं भूषण या मॅचचा आनंद लुटतायत मधुकरजी धोंगडे बावनजे, आपले सर्ष स्वागत. डब्ल्यू पी एल के आयोजक है और डब्ल्यू पी एल में उनकी टीम भी थी रायगढ़ भूषण, गुरुवरिया उन्हें सब कहते हैं. और ये कला रिश्न देखिए, कलाकार मरता नहीं, उसे दफनाया जाता है, ये हमेशा कलाकार के बारे में कहते हैं. और यहां से सुपर फोर में टीम रिच